उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि बिजली बिल की ओवर बिलिंग किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कल शाहजहांपुर में सरकारी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। श्री पाठक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त चिकित्सकों की तैनाती करने और चिकित्सा सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता के साथ मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सीएमओ से कहा कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन एक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करें और मरीजों के उपचार के लिए परामर्श भी दें। इसके बाद उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कल पीलीभीत में पूरनपुर रोड स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्दी पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी सत्र से यहां शिक्षण कार्य प्रारंभ कराया जाए। उपमुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी पुलकित खरे को कॉलेज तक सड़क निर्माण कराने के भी निर्देश दिए। श्री पाठक ने पार्टी पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों से भाजपा कार्यालय में मुलाकात भी की और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और गन्ना एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार भी मौजूद रहे।